नमस्कार दोस्तों, आज हमने सुनी थी दशा माता की आज तक की 6 कहानियाँ। तो अब हम सुनेंगे दशा माता की 7वीं कहानी। तो वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आज हम सुनेंगे दशा माता की कहानी, 7वीं कहानी। अगर कहानी जब भी आप सुने, पूरी सुने, कभी भी अधूरी ना सुने। तो इसी के साथ जय हो दशा माता के साथ 7वीं कहानी का प्रारंभ करते हैं। तो दशा माता की 7वीं कहानी। एक वृक्ष पर 2 पक्षी रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बांझ कहकर घृणा करते थे। अब इस पर मादा चिड़िया बच्चे होने के कारण बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियाँ दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था तो उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा, इस चिड़िया के गले में डोरे को बांध देते हैं, यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी और इसे भोजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। अब इस पर उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और शीश 20 दिन दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया के 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी और 10वें दिन स्त्रियाँ द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना डालकर पारना किया। अब कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बच्चे हो गए। दूसरी चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। तो चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते तो सब मुझे भांज कहकर दुत्कारती थी, अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे। तो चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि बताई। तब से जंगल की सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी और इसी के साथ सभी दशा माता का व्रत भी करने लगी और उनके अनुसार दशा माता की पूजा भी करने लगी। तो ये थी दशा माता की 7वीं कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली दशा माता की कहानी में। जय हो दशा माता की। हरे कृष्णा।